वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। चलिए शुरुआत करते हैं 13 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर से। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने। किसे पांचवीं बार एशिया की ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है, मतलब कि पांचवीं बार लगातार एशिया के ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर जो है किस कंपनी को दिया गया है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एशियाज ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर फॉर द फिफ्थ टाइम। तो पाँचवीं बार किसे मिला है, तो वो है एम्पेडियस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि पाँचवीं बार एशिया के ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर की जो है मान्यता मिली है। ये एक सॉफ्टवेयर और सेवा सर्विसेज कंपनी है, एम्पेटियस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे एशिया के ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर की जो है पांचवीं बार मान्यता मिली है। भारतीय रेल, इंडियन रेलवे के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किन दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। विच टू लॉन्ग डिस्टेंस फ्राइट ट्रेन्स वर सक्सेसफुली ऑपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द साउथ सेंट्रल डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो वह कौन सी दो ट्रेनें हैं जो कि लंबी दूरी की हैं और मालगाड़ियाँ हैं जिनको दक्षिण भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य मंडल ने चलाया है। तो वो दो गाड़ियाँ हैं, वो हैं त्रिशूल और गरुड़, जिनके नाम हैं। और सबसे पहले जो है त्रिशूल ट्रेन चलाई गई थी दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती थी। तो त्रिशूल और गरुड़ दो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहले त्रिशूल चलाई गई थी। टीम इंडिया ने निम्नलिखित में से किस देश में द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के अंतिम दिन सभी पदक जीते। तो सारे के सारे पदक जो है भारतीय टीम ने जीते ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो कौन से देश में, तो वो देश था पेरू, जहाँ पे सभी जो है अंतिम दिन सारे पदक जीते भारतीय जो एथलीट्स थे उन्होंने। टोटल जो है 40 पदक जीते गए, जिनमें से 16 जो हैं गोल्ड मेडल आए हैं। हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे। रिसेंटली डॉक्टर अब्दुल कादिर खान हैज़ डाइड, ही वाज बिलोंग टू विच कंट्री। तो अब्दुल कादिर जो हैं वो पाकिस्तान से संबंधित थे और ये जो हैं पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक के रूप में इनको जाना जाता था। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं, जिन्होंने किस राज्य में रिवर रेंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इन विच स्टेट द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च द रिवर रेंचिंग रिवर एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम। तो रिवर जो हस्बेंड्री प्रोग्राम है, नदी पशुपालन जो है, वो जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इन्होंने जो है 8 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था वो था डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का थीम था वो था डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। आप सभी को पता है कि थीम के बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो हम जो हैं टेलीग्राम और फेसबुक सभी जगह अवेलेबल हैं। अगर आप क्विजेज करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मतलब दोनों ने मिल के कितने मीटर की रैपिड फायर पिस्टल में जो है स्वर्ण पदक जीता। रिदम सांगवान एंड विजयवीर सिंधु हैव वोन गोल्ड मेडल्स इन हाउ मेनी मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट ऑफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो जो वो जो हैं 25 मीटर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 25 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। ईदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, हु हैज़ बीन होनर्ड विद ईदान प्राइज 2021। तो ईदान प्राइज 2021 से जो है वो एरिक ए अनुशेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एरिक ए अनुशेक और मुंबई स्थित डॉक्टर हैं रुक्मणी बनर्जी, जिनको जो है एक साथ ईदान प्राइज 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, हु बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। तो 2022 की जो
कुश्ती चैंपियन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, उसमें पहली भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता वो हैं अंशु मलिक। नॉर्वे के ओस्लो में जो है 2 अक्टूबर से शुरू हुए थे ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें कि अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? रिसेंटली टाटा सन्स हैज़ बोट एयर इंडिया फॉर हाउ मैनी करोड्स, तो कितने रुपए में इन्होंने खरीदा है टाटा सन्स ने एयर इंडिया को? तो एयर इंडिया को जो है उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। इसको जो है 1932 में JRD टाटा ने ही शुरू किया था, टाटा एयरलाइंस इसका नाम दिया गया था। साल 1948 में भारत सरकार ने 49% हिस्सेदारी खरीद ली थी, 1948 में जो है 49% हिस्सेदारी खरीद ली थी टाटा एयरलाइंस की। 1953 में इसको जो है सरकार एयर कॉरपोरेट एक्ट पास करके JRDC से बाकी की हिस्सेदारी भी जो है खरीद ली थी। तो 1948 में 49% और 1953 में जो है कंप्लीट गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी एयर इंडिया, जिसको फिर से टाटा ने ही खरीद लिया है 18,000 करोड़ रुपए में। कौन सी संस्था अर्धवार्षिक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सेमी एनुअली? तो कौन सी वो संस्था है जो अर्धवार्षिक सेमी एनुअली वैश्विक वित्तीय स्थिरता ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करती है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो जारी करती है इसको। वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता की विस्तृत समीक्षा करने का काम भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी को हाल ही में एक दिन के लिए भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था? 20-year-old अदिति महेश्वरी हु हेल्स फ्रॉम विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया फॉर ए डे? तो कौन से राज्य से संबंधित है? वो राजस्थान से संबंधित है। और ये जो है महिलाओं को नेता और गाइड के तौर पर सशक्त करने के लक्ष्य के साथ एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता को 2017 से हर साल जो है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में के दिन मनाया जाता है। उसी प्रतियोगिता पे जीतने के बाद इनको जो है, जो ये 20 वर्ष की अदिति माहेश्वरी हैं राजस्थान से जो संबंधित करती हैं, भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी। भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय सेना की जो है भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। शुरुआत में 1950 से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसका नाम होता था, उसके बाद इसको जो है रॉयल हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स इसका नाम रह गया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है संख्या के हिसाब से भारतीय। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मिला? हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2021? तो किसे जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मिला? तो जो है मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो दोनों को जो है कम्बाइनली नोबेल पीस प्राइज 2021 मिला। नॉर्वे जो नोबेल समिति हैं उन्होंने मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयासों के लिए उनको ये दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन वजह से इनको दिया गया, किस लिए दिया गया? तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनको ये दिया गया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 रिसेंटली? हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो अब्दुल राजक गुरना को दिया गया 2021 का, जो स्वीडिश एकेडमी जो है इस साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड करती है, उसी ने अब्दुल रजाक गुरना को दिया है ये। साल 2020 का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था अमेरिका की कवित्री हैं लुइस ग्लुक, जिनको 2020 का मिला। 2021 में अब्दुल राजक गुरना को मिला। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अब्दुल राजक गुरना कौन से देश से संबंधित रखते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि अब्दुल राजक गुरना कौन से देश से संबंध रखते हैं। विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2021 आर्थिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार 2021 है वो किसको मिला? तो वो जो है सभी डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेस सभी को दिया गया है, तीनों के तीनों को मिला है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज इसको प्रोवाइड करती है और जो आधा पुरस्कार है वो दिया गया है डेविड कार्ड को,
जो इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन है लेबर इकोनॉमिक्स में उसके लिए दिया गया है, और आधा जो पार्ट बच गया उसको कंबाइनली दिया गया है जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस को। इन्होंने जो कैजुअल रिलेशनशिप में मेथोडोलॉजी बनाई है उनके लिए इनको ये दिया गया है। तो ये सभी वीडियोज मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।